यूक्रेन में मिले सेटबैक्स के बाद रशिया की 2015 में सीरिया में मिलिट्री इंटरवेंशन को यूक्रेनियन इन्वेजन से कंपेयर किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि क्यों रशियन फोर्सेस जो सीरिया में इतनी सक्सेसफुल रही यूक्रेन में स्ट्रगल कर रही हैं। देखिए, सीरिया में मोस्टली रशियन एयरफोर्स एंड स्पेशल फोर्सेज डिप्लॉयड थी जो मोस्टली इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा को टारगेट कर रही थी, जिनके पास ना ही एडवांस मिसाइल्स थे, ना ही एयरफोर्स और ना ही फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग। वहीं यूक्रेन में रशिया को कन्वेंशनल वॉर लड़नी पड़ रही है और 2014 के क्रीमियन इन्वेजन के बाद से यूक्रेनियन फोर्सेस को वेस्ट ने ट्रेन किया है। वेस्ट, स्पेशली यूएस, यूके एंड फ्रांस एडवांस आर्म्स, एमिनेशन एंड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके यूक्रेन का फुल सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों के हिसाब से इस वॉर में कौन जीतने वाला है।